ये है ना, ये एक्चुअली नई तकनीक है इस तरीके से। और इसमें वो है ना, जो फतिंगे हैं उनकी क्या खासियत है कि वो तो इसके अंदर जो है, अगर आप देखेंगे कि जो केमिकल जब छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड, जो अक्सर धान जब बोया जाता है उसके 30 दिन बाद या 40 दिन बाद केमिकल छिड़काव होता है, वो उन्हीं कीड़ों के लिए होता है कि वो जो फसल है उसमें नुकसान ना करें। आज बहुत अच्छा तो इसमें है, अगर आप नज़दीक आ जाएंगे तो ये इसका जो विजुअल ज़्यादा मिल जाएगा। हाँ साफ मिल रहा है। ये कैसे, तो ये जो है केमिकल छिड़काव होता है, उसमें क्या होता है कि जो फसल के अंदर केमिकल चला जाता है पूरा अच्छी तरह, और ये इसके अंदर है ना एक केमिकल है जो इसके अंदर डाल के इसको 6 दिन 8 दिन उसको सोखने के लिए रखा गया था। फिर इसके बाद इसकी ये डाईकास्ट की गई है कि ये इतने इतने टुकड़ों में, ताकि फिर उसके बाद जितने भी ये जो फतिंगे हैं या जो कीड़े पेस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी अपने जो पार्टनर्स हैं, जो उनके पार्टनर्स हैं, अगर वो मेल है तो फीमेल पार्टनर ढूंढते हैं, और फीमेल है तो मेल पार्टनर ढूंढती हैं। तो वो जब ढूंढती हैं आपको, तो वो इसके अंदर से वो लोग एक दूसरे को एक सिग्नल के ज़रिए कैच करते हैं, एक सुगंध होती है उनके अंदर कि मेरा मेल पार्टनर कहाँ है, मेरा फीमेल पार्टनर कहाँ है। तो वो ये जो केमिकल है वो सुगंध जनरेट करता है, वो बनाता है उसको। तो वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ जाएँ, तो उनकी पैदावार इससे कंट्रोल हो जाती है कि पैदावार जो है, जैसे अगर वो मिलेंगे नहीं तो बच्चे होंगे नहीं, अंडे होंगे नहीं, बच्चे होंगे नहीं, तो उनकी पैदावार थोड़ी इससे कंट्रोल हो जाती है। तो ये जो इसके अंदर लगाया हुआ है, वो सूंघते हुए आएंगे कि भाई हमारा पार्टनर यहाँ पर है। अब ये यहाँ गए, अब ये उनके जो पर हैं वो इतने नाजुक हैं कि अगर एक बार भी कहीं लगे तो वो पैरालाइज हो जाते हैं, मतलब अपाहिज हो जाते हैं, फिर वो उड़ नहीं पाते, फिर वो इसके अंदर जाके फंस जाते। तो इस तरह वो हर 10 दिन 15 दिन पर वो, मतलब जो उनका टाइम पीरियड है, तो उस हिसाब से वो आते हैं, देखते हैं, फिर इसमें अंदर जाते हैं, फिर इसके अंदर आके फंस जाते हैं। और ये तो इसे ट्रैप टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन हम एक कंपनी ने एक नई टेक्नोलॉजी मेटिंग डिसरप्शन करके वो किया है कि मेटिंग डिसरप्शन में क्या होता है, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं मेरा पार्टनर है कहाँ। तो जब वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मेरा पार्टनर कहाँ है, तो मिल नहीं पाएंगे तो प्रोडक्शन होगा नहीं। तो इस वजह से ये कंट्रोलिंग मेथड है, इसमें आपकी फसल पर 1% केमिकल नहीं जाए, 1% 100% ऑर्गेनिक है, 100%। यानी कि कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो आप इस तरह होते हैं कि वो हमेशा रहने वाले हैं, यानी आप उनको खाना बना दें या उससे पूरा रेडी कर दें पूरा खाना, लेकिन वो खाने के अंदर से नहीं निकल सकते। तो जब वो छिड़काव ही नहीं होगा तो नुकसान कैसे करेगा सेहत पर। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहलाती है, यानी कि नई तकनीक पेस्ट कंट्रोल की है ना वो। और इससे है ना, अभी हम ये पूरा सर्वे कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ इसका इन्फ्लुएंस है, कि कहाँ कहाँ ये कीड़े ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस वजह से ये पहली शुरुआत है, तो इंशाल्लाह हम धीरे धीरे इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त का। चलें, ये बस आप जब उधर जाएंगे ना,